दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों सर्दियों का मौसम खान पान के लिहाज से काफ़ी अच्छा माना जाता है। सर्दियों में तरह तरह के फल और सब्जियां मिलती हैं। अक्सर लोग इनकी मदद से पराठे, अचार, हलवा और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। आप चाहें तो इन फल सब्जियों से मुरब्बा भी बना सकते हैं। ये मुरब्बे न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट लगते हैं बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मुरब्बा तासीर में गर्म होने के साथ ही पोषक तत्वों से भरा होता है। इसे खाने से शरीर को गर्माहट मिलती है। सर्दियों में मुरब्बा खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और कई बीमारियों से बचाव होता है। तो चलिए जानते हैं सर्दियों के मौसम में हेल्दी रहने के लिए आप किन चीज़ों का मुरब्बा बनाकर खा सकते हैं। आइए जानते हैं सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए खाएं पांच मुरब्बे। नंबर एक, सेब का मुरब्बा। सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए आप सेब का मुरब्बा खा सकते हैं। सेब में विटामिन ए, सी, फाइबर, कैल्शियम और जिंक जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। सेब में एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। सेब का मुरब्बा खाने से सेहत के साथ साथ त्वचा और बालों को कई अद्भुत लाभ मिलते हैं। इतना ही नहीं, रोज़ाना सेब का मुरब्बा खाने से डायबिटीज, अस्थमा और दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम काफ़ी कम होता है। नंबर दो, आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आंवले के मुरब्बे में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। आंवले का मुरब्बा खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है। नंबर तीन, गाजर का मुरब्बा। गाजर का हलवा और अचार तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आप सर्दियों में गाजर का मुरब्बा बनाकर भी खा सकते हैं। गाजर के मुरब्बे में विटामिन ए, सी, के, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। गाजर का मुरब्बा खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और कई तरह की बीमारियों से बचाव होता है। गाजर का मुरब्बा आँखों, पाचन, हड्डियों और दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर चार, अदरक का मुरब्बा। सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए आप अदरक का मुरब्बा खा सकते हैं। अदरक का मुरब्बा कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, जिंक और पोटेशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में काफ़ी फायदेमंद होता है। अदरक का मुरब्बा खाने से सर्दी, जुकाम, गले की खराश और अन्य बीमारियों से बचाव होता है। नंबर पाँच, संतरे का मुरब्बा। संतरे का मुरब्बा सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। संतरे का मुरब्बा इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और कई बीमारियों को दूर करता है। संतरे में पोटेशियम भी पाया जाता है जो हाई बीपी और हार्ट डिजीज के जोखिम को कम करता है। संतरे का मुरब्बा खाने से मोटापा, डायबिटीज, अर्थराइटिस और किडनी स्टोन जैसी समस्याओं में काफ़ी फायदा होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।